वाले हैं कि इस न्यू मून के दिन पर, इस न्यू मून नाइट को आप कौन सा रिचुअल या टेक्निक करेंगे जिससे आपकी सारी विशेस मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैं आज बीलीफ का एक रिचुअल या हैक आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपको इस चीज़ को, इस रिचुअल को करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफकोर्स यू विल नीड अ बीलीफ, एक आपको बेलीफ चाहिए, एक रेड कलर की पेन या ब्लू कलर की पेन आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, और एक आपको कैंडल चाहिए क्योंकि हम उस बेलीफ को जब बर्न करेंगे सो यू विल नीड अ कैंडल। ओके, किसी भी कलर की कैंडल चलेगी, सो इसमें कोई रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये तीन चीज़ें आपको चाहिए, और उसके बाद आपको पहले तो शांत होके डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, जितने भी डिज़ायर हैं आप ले सकते हो, मल्टीपल विशेस, लेकिन पर विश आप अलग एक बेलीफ को यूज़ करेंगे, मतलब एक बेलीफ पर आप एक ही विश को लिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको उस बेलीफ पर अपने डिज़ायर को लिख देना है, कोड कर देना है। ठीक है, सिंपली डिज़ायर का नाम या दो से तीन शब्दों में आप उसको मैंशन करेंगे। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप लिखेंगे एडमिशन इन एक्स वाई जेड कॉलेज और एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी, या जॉब इन एक्स वाई जेड कंपनी। ठीक है, क्लियर स्किन, ब्यूटीफुल स्किन, कुछ भी इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, मैरिज विद स्पेसिफिक पर्सन, कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप, इस तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद उसके ठीक नीचे आपको ग्रैबोवी कोड लिखना है, और वो ग्रैबोवी कोड जो किसी भी मैनिफेस्टेशन को बहुत ही ज़्यादा स्पीडअप करता है, जस्ट लाइक इंस्टेंट उसका इफेक्ट होता है, ये ग्रैबोवी नंबर है 5189912। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो 5189912। ओके, तो ये ग्रैबोवी नंबर आपको आपके डिज़ायर के नीचे लिख देना है। और अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ये डिज़ायर को जो आपने विश लिखी है उसको तीन बार रिपीट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं रिपीट करूँगी, जैसे कि क्लियर स्किन। ठीक है, उसके बाद आप रिपीट करेंगे 5189912। ये भी रिपीट कर दिया। अब आप 3 times रिपीट करेंगे थैंक यू। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको इस बेलीफ को बर्न करना है, कैंडल में आप उसको बर्न करेंगे और फिर उसके जो एशेस है वो सिंपली आप बाहर स्मोक आउट कर दीजिए, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपका रिचुअल खत्म हो गया। अब इस पूरे रिचुअल या इस टेक्निक को करते टाइम आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना, वो ये है कि आपको पूरा फोकस और पूरी फेथ से ये चीज़ करनी है, दिल से करना है। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ में विश्वास ही नहीं है कि भाई पता नहीं क्या है ये, इस तरह से काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं, तो वो काम नहीं करेगा। आपको उससे पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप इसको करें, एंड उसके करने के बाद, इस रिचुअल को पूरा फिनिश करने के बाद, जस्ट लेट इट गो। आपने आपका इंटेंशन यूनिवर्स में रिलीज कर दिया है, एंड नाउ यू आर डन। अब आपको ना ही इस चीज़ के बारे में बार बार सोचना है कि कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, कुछ सोचना भी नहीं है। एंड जस्ट आप अपनी लाइफ में आप बिजी रह जाइए। ठीक है, जो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हो, जो मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, जो भी करते हो, वो आप करिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एंड जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाइए इसको, एंड जस्ट कीप गोइंग। अपने आप आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी आएगी, एंड अचानक से आपके डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस न्यू मून को आप इस बेलीफ रिचुअल को ज़रूर ट्राई करना, इट विल बी वेरी पावरफुल, बहुत मैजिकल रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको इसके। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।